दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना अंतर्गत रिसाली नगर निगम क्षेत्र के तालपुरी के बी ब्लॉक पारिजात कॉलोनी में रविवार की सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस की भारी भरकम टीम दबिश देकर 35 से अधिक संदिग्ध लोगों को जहां हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं सुपेला थाना क्षेत्र में दर्ज 420 के मामले में फरार चल रही महिला आरोपी ज्योति सोनी को भी पुलिस ने इस अभियान के तहत धर दबोचा। नौ पदस्थ SP शलभ कुमार सिन्हा पदभार संभालने के बाद से ही एक्शन मोड पर हैं। लगातार कार्रवाइयां करते हुए अपराधों की धरपकड़ भी लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि दुर्ग SP शलभ कुमार सिन्हा को सूचना मिली थी कि भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी के पारिजात बी ब्लॉक में कुछ लोग फ्लैट्स लेकर संदिग्ध हालत में रह रहे हैं। SP ने जल्द ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे और संजय ध्रुव के नेतृत्व में 15 थाना प्रभारियों को बुलाकर एक टीम तैयार की। किसी को भी ये नहीं बताया गया कि उन्हें कहां छापेमारी करना है। इसके बाद टीम रविवार की सुबह 4 बजे सीधे तालपुरी कॉलोनी के पारिजात बी ब्लॉक में दबिश दी। सभी थाना प्रभारियों ने अपनी अपनी टीम के साथ अलग अलग बिल्डिंग में जाकर हर एक घर में व फ्लैट को खुलवाया। उनमें से उनका परिचय पूछा गया। इस दौरान 35 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें ज्यादातर लड़के लड़कियां शामिल है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस को तालपुरी कॉलोनी के अंदर कई गाड़ियां लावारिस हालातों में मिली है, जिनमें से कई वाहनों के नंबर प्लेट भी नहीं थे। सभी गाड़ियों को क्रेन से उठवाकर थाना पहुंचवाया गया है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस जब कॉलोनी में स्थित सभी मकानों और फ्लैटों में जाकर पूछताछ कर रही थी, इस दौरान एक मकान में कुर्सी पार निवासी ज्योति सोनी नामक महिला मिली। महिला ज्योति सोनी सुपेला थाने में 420 की फरार आरोपी बताई गई है। महिला ने अपने सहयोगी रेशमा खातून, शाहिद और मकसूद के साथ मिलकर अटल आवास के नाम फ्रॉड किया था। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने ज्योति की पहचान कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया।
ये कार्डन और सर्च की कार्रवाई थी जो कि हम लोगों ने भिलाई नगर थाना क्षेत्र के तालपुरी इलाके में परिजात कॉलोनी में किया है। इसमें बी ब्लॉक में काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी और कि यहाँ पर सस्पेक्टेड लोग घूमते हैं और रहते हैं और अवैध गतिविधियाँ संचालित करते हैं। उसी को लेकर आज हम लोगों ने 15 टीम बनाई थी, 15 TI और 9 राजपत्र अधिकारी थे, 150 की संख्या में हमारे जवान थे, उनको लेकर कार्डन और सर्च का जो कवायद है किया गया। ये प्रातः 4 बजे से आरंभ किया गया है, अभी भी लगातार जारी है। इसमें 35 संदेही मिले हैं और 14 संदेही गाड़ियां मिली हैं जो हो सकता है कि क्राइम इस्तेमाल हुई हों या चोरी की हों। और कुछ अपराधों में फरार एक महिला जो कि 420 में फरार थी वो, और कुछ अन्य अपराधों के फरार आरोपी हम लोगों ने आज यहाँ पर लिया। उसके लिए हम मकान किराएदार का जो सूची है उसको सूचीबद्ध करा रहे हैं थाना स्तर पर। और जो ये कार्डन और सर्च की प्रक्रिया है, कवायद है, इसको भविष्य में भी लगातार जारी रखने का हम लोगों ने सोचा है, जिससे कि इस प्रकार का जो अवैध गतिविधियां हैं, लोग हाई रोड करते हैं, उससे कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।